प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में चिकित्सकों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 16 राज्यों में हर गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट। भारत नेट को व्यावहारिक बनाने के लिए दी जाएगी 19,000 करोड़ रुपए की सहायता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंग के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने 3,00,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ डिस्कॉम के लिए नवीकृत बिजली वितरण योजना को स्वीकृति दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड की चुनौती से उबरने के लिए व्यापक टीकाकरण के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। देशभर में अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.92% हो गई है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है महाअभियान। केंद्र सरकार ने बिहार को तत्काल 7,75,000 टीके उपलब्ध कराए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 260 नए मामलों की पुष्टि की गई है। संक्रमण की दर घटकर 0.12% हो गई है। प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सरकारी सेवकों के खिलाफ दर्ज होगा आपराधिक मामला। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का परिणाम देखा जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।